Hello, hello. So, hello, salam, namaste, sat sri akal dosto. And guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे crt.sh और certspotter जैसे subdomain finder tools को आप windows terminal पे install कर सकते हैं और windows terminal पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं without काले linux graphical install किए हुए virtual machine में. बहुत लोगों को virtual machine install करके use करने में काफी problem आती है, storage problem, ram problem, processor problem, काफी लैपटॉप स्लो हो जाता है. तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है विंडोज टर्मिनल का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से काले लिनक्स के अंदर में, यानी कि विंडोज टर्मिनल में ही आपका काले लिनक्स चलेगा और इसके अंदर में आप सर्ट एसएच और सर्ट स्पॉटर जैसे सब डोमेन फाइंडर टूल्स को डायरेक्टली कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. और काफी ईजी और काफी इंटरेस्टिंग टूल है ये, काफी इंटरेस्टिंग ये वेबसाइट्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग ये कमांड्स हैं जिससे आप सब डोमेन बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप दूसरे कमांड के साथ काफी ईजिली ले सकते हैं. याद रखिए गाइस, मैंने सब डोमेन के ऊपर काफी वीडियोस बनाए हैं किस तरीके से सब डोमेन फाइंड किए जाते हैं. मैंने आपको अलग अलग मेथड्स तरीके बनाए हैं जैसे सब लिस्टर टूल का यूज करके, सब रूट टूल का यूज करके, सब डोमेन टेकओवर आपको एक्वाटोन के थ्रू बताया हुआ है. उसके बाद मैंने आपको सब डोमेन क्या होता है, सब डोमेन टेकओवर क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना के बताई हुई है. और मैंने आपको गाइज और बहुत सारी चीज जो है आपको सब डोमेन के बारे में यहाँ पे बता रखा है. जैसे आप को मैं इस वीडियो को ओपन करके अगर दिखाऊं तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स मिलेंगे, आप यहां पे देख सकते हैं. और इन लिंक्स में मैंने आपको बता रखा अलग अलग तरीके सब डोमेन्स फाइंड करने के, पेंटेस्ट टूल्स के मदद से, वायरस टोटल से और आपके गूगल डॉक्स से. सो गाइज यहाँ पे सब रूट टूल से भी मैंने बता रखा है. और सब डोमेन फाइंड करने का मैंने आपको रीजन बताया था कि सब डोमेन फाइंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि डोमेन्स पे हमें बग्स मिलने के चांसेस अगर 20% है तो सब डोमेन्स पे बग्स मिलने के चांसेस 80-90% बढ़ जाते हैं. यानी कि सब डोमेन्स में हमें ज्यादा बग्स मिलने के चांसेस होते हैं क्योंकि वो मेन वेबसाइट का सब वेबसाइट होता है, सब डोमेन होता है मेन डोमेन का, और उस पे ज्यादा ध्यान कंपनीज ज्यादातर नहीं देती है. यानी कि अगर कोई ऐसा सब डोमेन है जिसका फिर एक सब डोमेन है, यानी सब डोमेन का सब डोमेन, तो उस पे कंपनी जो है उसके सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस नहीं करती, वो मेनली प्राइमरली अपनी मेन डोमेन पे फोकस करते हैं और जिसके तहत सब डोमेन्स वल्नरेबल हो जाते हैं और उसमें काफी बग्स मिलने के चांसेस होते हैं जिसको आप हैकर वन जैसे वेबसाइट पे या फिर बग क्राउड जैसे वेबसाइट पे रिपोर्ट करके पैसे कमा सकते हैं बाउंटी के. सो गाइस ये तरीके हैं बग बाउंटी के. और बग बाउंटी में सबसे पहला स्टेप आता है वो है सब डोमेन फाइंड करने का. तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप बग बाउंटी वगैरह में जाना चाहते हैं, बग हंटिंग करना चाहते हैं या फिर इसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे इसमें बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है. सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सब डोमेन फाइंड करने के बहुत तरीके बताए हैं और विंडोज टर्मिनल इंस्टॉल करने का तरीका मैंने नहीं बताया हुआ है, बट मैंने आपको ये ज़रूर बताया है कि काले लिनक्स को विंडोज पे कैसे इंस्टॉल करते हैं. ये मैंने आपको पहले ही वीडियो बना दी है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. काली ऑन विंडोज सर्च करके यहाँ पे फिल्टर कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने ये तरीका बताया हुआ था हाउ टू इंस्टॉल फुल काले लिनक्स ऑन विंडोज विदाउट वर्चुअल मशीन. इन वीडियोज के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके इन वीडियोज को देख सकते हैं. जब आप इस वीडियो को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं, सिर्फ 7 मिनट की वीडियो है और पूरी डिटेल में बताई हुई है कि किस तरीके से आप विंडोज सब सिस्टम का इस्तेमाल करके काली को विंडोज में इंस्टॉल कर सकते हो ग्राफिकली नहीं, कमांड लाइन के थ्रू. और काली के सारे लगभग काम आप कर सकते हो, उसके टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो, उसके रेपोजिटरी को यूज कर सकते हो, यानी कि जो हमारा ETC ऐप sources.list में रेपोजिटरी होता है उसमें आप कॉन्फिगर करके आप पूरी काली लिनक्स चला सकते हो. अब बात रही गाइज कि इस टर्मिनल की, विंडोज टर्मिनल की, हालांकि आप काली को डायरेक्टली CMD से भी एक्सेस कर सकते हो या फिर बैश टर्मिनल से एक्सेस कर सकते हो. आप बैश सर्च मारिएगा, काली इंस्टॉल करने के सिंपली आपको मैंने बता रखा है क्या करना है. आपको सिंपली विंडोज के सेटिंग में जाना है, यहाँ पे ऑल सेटिंग में अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाना है, डेवलपर ऑप्शंस में जाना है और डेवलपर मोड को इनेबल कर देना है. उसके बाद ये थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में. उसके बाद आपको चलना है कंट्रोल पैनल में और विंडोज प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन जो आता है जहाँ से आप प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हो, उसके बाद टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ पे जाना होता है. और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है विंडोज सब सिस्टम फॉर लाइनक्स, इसको इनेबल करके ओके प्रेस करना है. उसके बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा और विंडोज सब सिस्टम फॉर लाइनक्स इंस्टॉल हो जाएगा. और उसके बाद गाइज आपको कुछ नहीं करना, सिंपली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसको विजिट करना है. और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर विजिट करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखना है काली लिनक्स
यहाँ काले लिनक्स में लिख दिया, और यहाँ जो काले लिनक्स आएगा आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कितना टाइम लेता है। तो मैंने ऑलरेडी ये काले लिनक्स इंस्टॉल कर दिया है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। और इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपकी काली इंस्टॉल हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं दिस प्रोग्राम इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली विंडोज़ पे जाके यहाँ पे और बैश सर्च करना है और एंटर करना है। तो आपका ये बैश टर्मिनल ओपन हो जाएगा और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं इसमें आप सिंपली काली यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे मैं यहाँ पे स्लैश होम में चलता हूँ फिलहाल के लिए और एलएस करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं सीडी और उसके बाद मैं चलता हूँ स्लैश में और यहाँ हम एलएस करते हैं। तो यहाँ एलएस करने के बाद यहाँ पे जो भी लिनक्स के अंदर की फाइल्स होती हैं जैसे etc, यहाँ पे आप देख सकते हैं apt sources.exe, आप यहाँ पे cd /etc/apt इसमें जा सकते हैं। उसके बाद नैनो से sources.list को आप एंटर करके आप यहाँ देख सकते हैं काली की रिपोजिटरी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे ये एक सिंपल बैश टर्मिनल है। अगर आपको एक थोड़ा मॉडर्न थोड़ा हाईफाई टर्मिनल चाहिए तो उसके लिए है विंडोज़ टर्मिनल। ध्यान रखिए गाइस, विंडोज़ टर्मिनल इंस्टॉल करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है, विंडोज़ टर्मिनल सर्च करना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद विंडोज़ टर्मिनल यहाँ पे आपको आ जाएगा, ये फिलहाल प्रीव्यू वर्जन में है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इंस्टॉल कर देना, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ध्यान रखिए विंडोज़ टर्मिनल इंस्टॉल करने के लिए आपका विंडोज़ का जो वर्जन होना चाहिए वो 1903 या उससे ऊपर होना चाहिए। मेरा 1909 है, 1903 या उससे ऊपर होगा तो आपका इंस्टॉल होगा वरना नहीं काम करेगा। यहाँ पे करना है, उसके बाद आपको सिंपली जब भी आपको विंडोज टर्मिनल स्टार्ट करना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, विंडोज बटन प्रेस करना है और विंडोज टर्मिनल टाइप करके विंडोज टर्मिनल ओपन कर देना है। अब यहाँ से आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के थ्रू इंस्टॉल करेंगे वहां से, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अगर आपने यूबंटू इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ ऑप्शन में यूबंटू भी आ जाएगा। फिलहाल मैंने काली लिनक्स इंस्टॉल किया है तो आप काली लिनक्स पे क्लिक करके काली लिनक्स के टर्मिनल में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फिलहाल रूट में चलता हूँ और यहाँ ये रहा मेरा काली लिनक्स का मशीन आ गया है एक तरह से विंडोज टर्मिनल के अंदर में। और मैं आपको गाइस इसी के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप इस काले लिनक्स के थ्रू सर्च और सर्च स्पॉटर को आप यूज कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने मेन यहाँ टॉपिक्स पे। फिलहाल मैं cert.sh पे आपको ले चलता हूँ। बेसिकली ये दोनों जो टूल्स हैं ये सब डोमेन फाइंड करने के टूल्स हैं, काफ़ी वेब एप्लीकेशन से ये। तो यहाँ पे आपको अगर याहू के सब डोमेन फाइंड करने तो आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे परसेंटेज लगाना है और yahoo.com यहाँ लिख देना है। परसेंटेज के बाद आप यहाँ डॉट दे दीजिए और yahoo.com यहाँ टाइप कर दीजिए। yahoo.com टाइप करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपका याहू का जो सबडोमेन है, आपको बहुत सारे सबडोमेन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। anyone यहाँ पे मिल जाएगा, src1 बहुत सारे हैं, access.mailer.on ये सब सबडोमेन्स है। यहाँ पे आप इसको अलग अलग तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास एक सबडोमेन है media.yahoo.com, मैं चाहता हूँ कि media.yahoo.com के सबडोमेन्स निकालो तो media.yahoo.com कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो media.yahoo.com के जो भी सबडोमेन्स होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं bf1media.com, tw1media.com, tp2w.media.com और उसी तरह सर्च स्पॉटर है। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे JSON API इनका सिंपल सा, यहाँ पे आपको डोमेन एंटर करना है, इंक्लूड सबडोमेन करना है, शो मी द शर्ट्स, तो ये सर्टिफिकेट शो करेंगे। साथ में सबडोमेन्स शो करते हैं कौन कौन से सबडोमेन्स के सर्टिफिकेट शो कर रहे हैं, तो आपको सारे यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे। बट गाइज ये है ग्राफिकल, बट हम एक हैं एथिकल हैकर्स, हम हैं बग बाउंटी अगर हंटर्स, हम अगर हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, तो हमें टर्मिनल पे काम करना ज़्यादा पसंद है और हमें टर्मिनल अच्छा लगता है। तो टर्मिनल पे हम किस तरीके से इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो मैं सिंपली विंडोज़ टर्मिनल लॉन्च करूँगा। विंडोज़ टर्मिनल लॉन्च करने के बाद हम सिंपली काले लिनक्स को बूट करते हैं। हम काले लिनक्स का इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट द वीडियो। और काले लिनक्स में पहले मैं रूट में चल लेता हूँ, सिंपली यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हम रूट में फिलहाल चल लेते हैं। यहाँ रूट में बहुत सारे कुछ अलग फाइल्स हैं मेरे, तो यहाँ जाने के बाद हम इनको सर्च और सर्च स्पॉटर को सेटअप करना है। सो गाइज सेटअप करने के लिए ये बेसिकली सबडोमेन फाइंडर है। सबडोमेन का फाइंड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज बग बाउंटी हंटिंग में, मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी, और नहीं तो आप वीडियोस देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब आपको चलना है यहाँ पे गूगल पे और यहाँ है नहमसेक का गिटहब प्रोफाइल, आपको ओपन करना है इनका गिटहब प्रोफाइल, ये रहा नहमसेक गिटहब प्रोफाइल ओपन करना है। और गिटहब प्रोफाइल ओपन करने के बाद रेपोजिटरी पे क्लिक करना है। रेपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक आपको इनका रेपोजिटरी मिलेगा रेकॉन प्रोफाइल का, इस रेकॉन प्रोफाइल रेपोजिटरी पे जाना है और यहाँ आपको एक बैश प्रोफाइल का आपको एक प्रोफाइल सेटअप मिल जाएगा। और इसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे टूल्स जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सबडोमेन्स फाइंडिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर
किसी वेबसाइट के डिटेल्स फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इनके कमांड्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे को फिलहाल ज़रूरी है ये सर्च स्पॉटर की और crt.sh की। अब इसको कैसे सेटअप करेंगे, फिलहाल अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे मैं cert.sh डालूँ तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा, यहाँ पे सर्च पॉटर डालूँ तो भी ये टूल जो कमांड है वो काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इनका सेटअप फिलहाल नहीं किया है अपने सिस्टम में। तो सेटअप करने का क्या तरीका है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। सो गाइस इसको कैसे सेटअप करना है, तो सिंपली आपको आपके सिस्टम में, इस काली सिस्टम में एक लोकेशन होती है जिसका नाम होता है डॉट प्रोफाइल, ठीक है। तो डॉट प्रोफाइल करेंगे यहाँ पे आप विच डॉट प्रोफाइल कर लीजिए और एंटर मारिए। तो यहाँ पे ये डॉट प्रोफाइल जो है, ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे ही आपको ये दोनों कमांड्स को एंटर करना होता है यानी डालना होता है। तो कैसे करेंगे हम गाइस, सिंपली हम नैनो टर्मिनल का, नैनो एडिटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे विम वी आई ये सब वर्क नहीं करेगा क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, काली का कमांड है। तो यहाँ पे नैनो करना है और ये जो लोकेशन होता है डॉट प्रोफाइल का, रूट के अंदर डॉट प्रोफाइल होता है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका ये डॉट प्रोफाइल जो है ये ओपन हो जाएगा और इसी में आपको सिंपली गाइज इस दोनों टूल को यहाँ पे इनके कमांड्स को कॉपी कर देना है, बस इतना ही करना है और आपका काम हो जाएगा। अब कैसे गाइज करना है, तो cert.sh पहले हम कर लेते हैं, इस कमांड को हमें कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली मैं फिलहाल यहाँ से एग्जिट करके वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे एग्जिट हो गए, हम फिर से वापस आते हैं, नैनो डॉट प्रोफाइल को यहाँ आपको एडिट करना है और एडिट करने के बाद एंटर आना है, एंटर, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है जो आपने वहाँ से कॉपी करा था। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, सब हो गया। कंट्रोल एक्स करना है, ये पूछेगा सेव करना है, यस करना है और एंटर मारना है, ठीक है, चलिए हो गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा crt.sh कमांड अभी भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने एडिट तो कर दिया डॉट प्रोफाइल को बट उसे सोर्स नहीं करा। यहाँ पे एडिट करने के बाद इसे ये सेव करने जैसा हुआ, फाइनल सेव करने जैसा, तो सोर्स डॉट प्रोफाइल करना ज़रूरी है। जब भी आप डॉट प्रोफाइल को एडिट करें या डॉट बैश प्रोफाइल को एडिट करें तो उसके बाद उसको सोर्स करें, नहीं तो जो भी चेंजेस आपने किए वो इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ हमने सोर्स कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सेम कमांड crt.sh टाइप करते हैं और ये टैब मारने पे कमांड आ रहा है और लिखते हैं yahoo.com। अब हम देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। अब गाइज ये काम कर रहा है और yahoo.com के जितने सबडोमेन से आपको यहाँ पे ये ग्राफिकली नहीं, कमांड लाइन के थ्रू ही आपको डिस्प्ले करके बता देता है। तो सारे कमांड लाइन के थ्रू इनको आपको जो सबडोमेन से yahoo के यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ये हो गया cerspotter कमांड, हमारा वर्क कर गया। अब हमें करना है, crt.sh कमांड वर्क कर गया, अब हमें cerspotter यूज़ करना है। तो cerspotter के लिए हमें ये जो हमारा cerspotter का कमांड है इसको सिंपली इसको कॉपी करना है पूरा और फिर से आपको कहाँ जाना है, नैनो डॉट प्रोफाइल में एंटर करना है। उसके बाद cerspotter वाले कमांड को भी आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए और ये हो गया पेस्ट। फिर से आप कंट्रोल एक्स कीजिए, सेव करना है, यस, और फाइल नेम टू राइट डॉट प्रोफाइल एंटर मारना है। फिर आपको सोर्स, उसके बाद डॉट प्रोफाइल, एंटर हो गया। अब हमें करना है cerspotter, देखते हैं काम करता है या नहीं। cerspotter बिल्कुल काम कर रहा है, yahoo.com एंड एंटर, ठीक है, एंटर मारेंगे। अब देखते हैं हमारा ये वर्क करता है, cerspotter yahoo.com लगता है वर्क कर रहा है। एंड ये रहा याहू के सबडोमेंस, इसने फाइंड आउट करके आपको दे दिए, बहुत सारे सबडोमेंस इसने फाइंड आउट कर दिए और आप फिर इन सबडोमेंस का इस्तेमाल करके इन सबडोमेंस के भी सबडोमेंस को आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और cerspotter और cert.sh का और भी डिटेल यूज़ कैसे करते हैं, crt.sh का, cerspotter का और भी डिटेल यूज़, और भी फिल्टर, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसका आप इस्तेमाल करके इनका यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। इसको और भी एडवांस यूज़ कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेट कैसे करते हैं, कैसे आप जो भी सबडोमेंस फाइंड करें उसमें से पता लगा सकते हैं कौन से सबडोमेंस जो हैं वो अभी वर्किंग हैं, यानी कि वो अभी चल रहे हैं और उस पर कोई एरर नहीं है, वेबसाइट वर्किंग है, ये सब पता करने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होगे कि cert.sh और cerspotter को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। हालांकि आप एक नया प्रोफाइल भी बना के इसमें कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई एक प्रोफाइल बना सकते हैं रूट के अंदर में, जैसे मैंने कर दिया नैनो और यहाँ पे आप डॉट बैश डैश प्रोफाइल ऐसे करके आप बना सकते हैं, या फिर डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल ऐसे करके बना सकते हैं एक फाइल और उसके अंदर भी आप जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें बनाया हुआ ऑलरेडी में यहाँ पे डॉट बैश डॉट प्रोफाइल, एक मैंने अलग प्रोफाइल बनाई हुई है सेम इस प्रोफाइल के जैसी, तो आप अलग से भी बना सकते हैं या फिर डॉट प्रोफाइल में ही एडिट कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और हम मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।